अंजना मिश्रा बलात्कार का मामला 1999 में उड़ीसा में होने वाला एक बहुत चर्चित बलात्कार का मामला था। अंजना मिश्रा एक भारतीय वन सेवा के अधिकारी से अलग रह रही पत्नी थी, जिनका 9 जनवरी 1999 को बलात्कार किया गया था। मामला उस समय तूल पकड़ गया जब अंजना तत्कालीन मुख्यमंत्री जेबी पटनायक और उनके मित्र पूर्व अधिवक्ता इंद्रजीत रे पर आरोप लगाया कि इस मामले में उनका भी हाथ शामिल है। इस बलात्कार मामले ने पार्टी की छवि खराब कर दी थी और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गिरिधर गमांग को नया मुख्यमंत्री बना दिया था। वह कार जिसमें अंजना और उनके पत्रकार दोस्त 9 जनवरी 1999 को यात्रा कर रहे थे, बड़ांग के पास एक सुनसान जगह पर रोक दी गई थी जो भुवनेश्वर के बाहरी इलाके पर स्थित था, और अंजना मिश्रा को अपने मित्र के समक्ष सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया। दो आरोपियों को 26 जनवरी 1999 को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मामले की जांच के लिए 26 फरवरी 1999 को जांच सीबीआई को सौंपने के बाद सीबीआई ने मामले को ले लिया और 5 मई 1999 पर अपने आरोप पत्र प्रस्तुत किए। एक लंबी लड़ाई के बाद अंजना मिश्रा ने अपना मुकदमा जीत लिया। 29 अप्रैल 2002 को दिए गए एक फैसले में उड़ीसा के खुर्दा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले में 3 आरोपियों में से 2 को प्रत्येक को आजीवन कारावास और 5,000 रूपए का जुर्माना सजा के रूप में सुनाया। न्यायाधीश महेश नाथ पटनायक ने 9 जनवरी 1999 को प्रदीप साहू और धीरेन्द्र मोहंती को दोषी पाया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार था। मुख्य आरोपी विश्वाल के फरार रहने पर अंजना मिश्रा ने दुख प्रकट किया, क्योंकि उसके अनुसार वही असली षड्यंत्रकारी था। इसी मामले पर नया अपडेट है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में मिश्रा ने इसे न्याय की जीत बताई है। आपको बता दें कि 12 जुलाई 1997 को अंजना ने औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र लिखा कि 11 जुलाई को तत्कालीन अधिवक्ता इंद्रजीत रे ने कर्नाटक में उनके कार्यालय एवं निवास पर आमंत्रित किया और एक गोपनीय कॉल प्राप्त करने के बहाने अपने बेडरूम में ले गए थे और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था। वहीं इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कई महिला संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक समझौता सुझाव मुख्यमंत्री की ओर से अंजना को दिया गया था, जिसे अंजना ने अस्वीकार कर दिया था। उसने 19 जुलाई 1997 को कटक छावनी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके साथ ही अंजना ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वह रे को बचा रहे हैं। वहीं सीबीआई अदालत ने रे को फरवरी 2000 में बलात्कार के प्रयास के आरोप में 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।